2 लाख पे मैंने डांस भी करना है, फुल ऐश करनी है, तो बहुत मजा आएगा। दुल्हन की बहन को कोई देख ही नहीं रहा है यार, मैंने तैयार हुई थी, ज्यादा प्यारी नहीं लग रही? नहीं नहीं, आप दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, मजाक किया मजाक। महफिल ता सजदी जे नचे डकी दिए रूप ना दो का इसका कौन ये देखो। हमारी हो रही है ढोलकी, ठीक है। उसके लिए मैं अपना एक स्पेशल ड्रेस लेकर आई हूँ, फुल येलो कलर का, इतना येलो कि आप लोग कहोगे कि वाह और आवे, ऐसे लगे तुम्हारी ढोलकी है, मतलब यू नो मैं ओवर तैयार होना ही होना है। मैंने मेरा जो होटल रूम है ना फुल लकड़ी का बना हुआ है, ओरिजिनल है। सारी फैमिली नीचे है, ऊपर बस हमारी अपनी फैमिली है। इस तरह की हम लोगों ने काफी ज्यादा रूम दिया है, जितने रिश्तेदार है सारे अलग अलग रूम में। मम्मा मेरा ड्रेस भी उधर रह गया घर, मैंने इधर ही बेहोश हो जाना। उसका ढोलकी का ड्रेस है, ये मेरा फुल येलो ड्रेस, दिखाएं लोगों को। ये तो लग रहा है जैसे राबिया की ढोलकी है। मैं यही कह रही हूँ, लोगों ने देख के राबिया हर दफा, कितना प्यारा है यार ये, मैं पहनूंगी तो इसमें और प्यारी लगूंगी, रूप चढ़ेगा। निकासी वाला रूप चढ़ना बहन पे भी जरूरी है, दुल्हन की बजाय। इसके साथ मेरा अम्मा मेरी कैपरी भी दे इसके साथ की, खुशा पहनूंगी और हमें डांस करना, तुम सब देखते रह जाओगे। जैना किधर गई? जैना तेरा ड्रेस मुझे इसलिए लगा है, सब इस्त्री करने पड़े, इसको इस्त्री नहीं करना पड़ा। तो यार ये मेरा ढोलकी का ड्रेस है, 2 लाख पे मैंने डांस भी करना है, फुल ऐश करनी है, तो बहुत मजा आएगा। यार इतनी खतरनाक सीढ़ियां, यहाँ से तो अच्छा खासा इंसान भी गिर जाए। राबिया तो फिर इतनी मासूम सी लड़की है। ओहो बच्चों क्या रेडी हो गए हल्दी के लिए? तुम हो गए? मैं तो कल सलवार कमीज पहननी है। नहीं वो निकाह पर कहा पे सलवार कमीज पहनी, हल्दी भी इन्होंने पेंट शर्ट ही पहनी, कोई बात नहीं बच्चे। पेंट कोट पहले कहता था वो वेट्रेस वाले पे, 3 पीस जो पहनते वो पहनना है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम लोगों को ये बता दूं पहले, वहाँ पे जिसने सलवार कमीज नहीं पहनी उसको एंट्री नहीं दे रहे वो लोग, पता है? मुझे पता है आप झूठ। अच्छा क्या कह रहे हो? मोबाइल खराब हो गया। हाँ बहुत दूर का नीचे गिरा था, इसके ऊपर निशान आ गया, ब्लैक दिख रहा है ना निशान ऊपर। क्या कह रहे हो? झूले बाहर, झूले बाहर दिखाओ। हमारे गाइस विला में झूले भी हैं, इतनी ठंड है और यहाँ पे हमारा जो है ना खाना वगैरह बनता है, सीख कबाब टिक्का, और बहुत अच्छी वाइब है, मजा आ रहा है। कितने झूले? ओए हाँ वो वहाँ पे ना, हाँ जंगल में तुम्हें पता सांप आ जाते हैं। मुझे हाँ, भागो, भागो 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 भागो। आपका ड्रेस कौन सा? अच्छा मेरे कपड़े कर देती हूँ, मम्मा ने कोई हुक्म करे और मैं ना करूँ ऐसा हो सकता है? मैंने अपने भी तो करने ना, वो नहीं ना होना, प्रेस की जरूरत है मेरे वाले को यार। जैनब का सूट आना जरूरी, क्योंकि उसने मेरे साथ डांस करना है, उसका मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, वरना मैंने उसको अपना आधा काट के पहनवा लेना। मिला नहीं, इसमें देखें आप, इसमें रखा होगा क्योंकि मुझे पता लास्ट आपने इधर ही रखा था, उसका ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर का मिल गया, शुक्र मिल गया। ये जैनब का गाइस मेरे जैसा ही तो हो गई, अम्मा अच्छे खासे सिलबिटे क्या हो गया? वो वाली आयरन है धुएं वाली, वो तो हम लेके नहीं आए। चलो फिर उसी से करते हैं, कोशिश करती हूँ दिखाएं मैं करती हूँ। चलो जैनब को बुलाओ ना, उसको कहूँ खुद अपना करे, मैं क्यों उसका। अच्छा अब मेरे पास 3 सूट आ गए, मेरे 3 कपड़े इस्त्री करने, पूतरू कहाँ से आया। ओहो यार भी मुझे लग नहीं रहा है इसको इस्त्री करने, क्योंकि ना इसका डिजाइनर जैनब वाला इस्त्री कर लेती हूँ और मम्मा वाला कर लेती हूँ। यार ये बड़ी मुश्किल से हो रहा है इस्त्री, बट कर रही हूँ मैं। ये लो यार अभी मेरी 1 फ्रॉक इस्त्री और लाइट चली गई, अभी मम्मा का रह गया ड्रेस, अभी इसका रह गया, वैसे मैंने जैनब का किया। लाइट कब तक आएगी? ओए आ गई आ गई आ गई, अब करते हैं दिखाओ जरा। और गाइस तो फाइनली हमारे कपड़े प्रेस हो गए हैं और बाहर हमारा यहाँ पे भी एक झूला है यार। ओ आ रहा मजा यार, ये ऐसा लग रहा है मैं एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और ये पूरा घर मेरा है। दिल कर रहा है इधर ही रह लूं, मजा आ रहा है ना इधर। मुझे छुट्टियाँ भी हो रही हैं और फन भी हो रहा है और मस्ती भी हो रही है, बच्चों को यही तो चाहिए सब कुछ। यार इधर चाय वगैरह का सामान है, मैं एज यूजुअल अपना एवरीडे चुराऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चलो यार बहुत लेट हो गया, जाके मेकअप करो, तैयार हो। जैनब तुम तैयार भी हो गए? अपना मेकअप दिखाओ जरा। वाह जैनब तैयार भी हो गया गाइस, तुम्हारा काम है मेरा हेयर स्टाइल बनाना। ठीक है बना दूंगी, अपने बाल दिखाओ जरा। ओके बन जाएगा। चलो पहले मैं एक मेकअप ट्रांजिशन करती हूं, क्योंकि बहुत सिंपल सा मेकअप करना है, तो 1 2 3। ओके गाइस तो फाइनली हमारा मेकअप डन हो गया, मैंने बहुत सिंपल सा मेकअप किया जो मैं कैजुअल रूटीन में करती हूँ, कल ओवर करूंगी ना क्योंकि आज तो ढोलकी है, तो बाकी सबको देखते हैं। हिराबी अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो? अबे मेरी इंसल्ट ना करो। ओ वो तैयार हुई हुई थी, मैंने उसकी भेजी थी, मुझे लगता है कोई भी तैयार नहीं हुआ है। आप तो तैयार हो जाए, मैं इतना अच्छा मेकअप करके आई हूँ, कहना तैयार हो जाओ। जैनब भी फुल तैयार हो गई है, मम्मा भी हो गई, मेरे पास कपड़े रह गए, मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ। चलो ओके यार फाइनली मैंने ड्रेस भी पहन ली और आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। वाह सो ये है मेरा ड्रेस,
इनको जाके बाहर दिखाती हूँ। ओके फाइनली मेरे बाल भी डन हो गए, मैं इससे दुपट्टा। जैनब तुम्हारे बालों को क्या जरूरत है करने की, इनको दिखाओ जरा। तुम्हें तो मुझसे हेयर स्टाइल ही बनवाना था, दिखाओ क्या बनाया। और जैनब भी फुल एक्चुअली जैनब सेम मेरे जैसा तैयार हुई है। और फातिमा के पहली दफा ड्रेस से मैं इस दफा जेलस हूँ, क्योंकि मुझे इसके जैसा ड्रेस चाहिए था, ड्रेस फातिमा है ना। मुझे मेरा सबसे ज्यादा हैवी लग रहा है, मेरी फुल लुक लोगों को हम दिखाते हैं, सबसे ज्यादा प्रीटी मेरा लग रहा है। और सब नहीं जी, सबसे प्यारी तो हमारी दुल्हन लग रही है यार। दुल्हन का रूप अलग होता है, दुल्हन के मुकाबले में कोई नहीं आता। बहने भी नहीं, फिर आप ही साथ दुपट्टा लो या ना लो, देखो मेरी लुक दिखा लो यार, जल्दी क्या ही लग रही है। मेरी भी लुक दिखा दो यार लोगों को। आई गाइस फाइनली दिस इज माय ड्रेस, आप ले शॉल। अभी जब मैं डांस करूंगी फिर देखना कितना मजा आता। खुद सा तो पहना ही नहीं यार अम्मा, खुद से। वाह प्यारी लग रही है। मुझे भी शॉल दे दो हिरापी, शॉल दो यार जल्दी। और खुद सा पहनते हैं, ये वाला पहनूंगी, ये मेरा खुद सा। मम्मा जल्दी झुमके दे जल्दी, आप इतना गुस्सा कर रही है कि निकलो निकलो जल्दी दे मम्मा फटाफट। हाँ ये वगैरह झुमके पहने, झुमके के बगैर तो कोई ब्यूटी है ही नहीं। चलो यार निकलो। अगर मैंने इयररिंग्स पहन ली उससे मेरी बहुत प्यारी लुक आई, और अब राबिया लगेगी ना सही ब्यूटीफुल लड़की। अपने वॉक डालूंगी। अगर मैंने भी इधर एक प्यारी से शॉल ले लिया, और ये मेरी दादो ने भी ले लिया, दिखाए ना कितनी यहाँ पे भी अच्छी लग रही है। इनका फेवरेट कलर बताओ, इनका फेवरेट कलर पर्पल है, इसलिए वो हर चीज पर्पल चूज करती है। मुझे भी पर्पल और पिंक फेवरेट है मेरा, आपकी सेम टू सेम है ना। पापा जी आप भी रेडी हुए? मैं तो रेडी नहीं हूँ, मैं कह रहे रेडी हो जाओ। चलो नीचे जाके अपनी फुल लुक सबको दिखाती हूँ, राबिया कितनी सुंदर एट द मोमेंट लग सकती है। और ऐसे ये है ब्राइड की बहन सबसे प्यारी वाली, और ये है मेरा ड्रेस। बस अपनी वो नजर उतार लूं अब, ठीक है। और इधर सारे लड़का लड़की वाले आपस में मिल रहे हैं क्या? और दुल्हन की बहन को कोई देख ही नहीं रहा है यार, मैं इतना तैयार हुई थी। ओके तो ये आ गए हमारे जीजा जी। फेवरेट साली को तो देख ले, इतना तैयार हुई है। फेवरेट साली इतना लेट आई है, क्या करें हम इतना देर से जाग रहे हैं। मेरी मैचिंग हो रही है थोड़े देर में, ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है ना। फेवरेट साली और फेवरेट जीजा जी। और इधर यार फुल बॉनफायर का सीन है, बारबेक्यू वगैरह करना है ना हमने। बारबेक्यू करना है यार, ये देखो कितना मजेदार खाना ऑलरेडी अभी खा लेते हैं सारा। ओके यार ब्राइड ग्रूम यहाँ पे बैठ गए हैं दोनों, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज्यादा प्यारी नहीं लग रही? नहीं नहीं आप दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, मजाक किया। यार ये देखो मेरा ड्रेस हटके जा रहा है, अक्सर मेरे से शादियों में प्यारी लड़कियों के पल्लू लगते हैं, मतलब प्यारी। और मैं खाना दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मखनी कढ़ाई, उससे क्या हो? ये है नान कबाब, रंगीला स्वीट, ये है बिरयानी माशाल्लाह, और ये है आलू चने। ये आलू चने के आलू मटर है। अच्छा हाँ समझ आ गया, मेरी आंखों में उजाला वो चला गया धुआं। दुल्हन की मम्मी को ही खाना नहीं मिल रहा, और ये कौन है? मैंने अपनी प्लेट बना लिया, मैं इधर बैठ कर खाऊंगी। ये मेरी प्लेट का ध्यान रखना, फुल डाइटिंग। ये मेरी प्लेट का ध्यान रखना आपने, ठीक है? ठीक है डन, कोई खाए ना। अब हम लोग ये मैक्रोनीज भी डाल लेते हैं थोड़ी सी, मेरी फेवरेट है वैसे तो। ये लो तो मैं उठा के अपना खाना, मम्मा मेरा खा रही है। बहुत मजे का ना, इधर बैठ के खाते हैं। बहुत भूख लगी है यार, खाने का टेस्ट इतना। सारे बिजी है इस टाइम, सबका आपको दिखाऊं। वो उधर उनके साथ बातों में लगी है, वो उनके साथ बातों में लगे हुए हैं, ठीक है। मेरी बहन है उधर कहीं गुम है, और किसी को कोई होश ही नहीं है, सब बस खाने में बिजी है। यार खाना इतना मजे का ना, मेरा दिल चल रहा है खाई जाओ, लेकिन क्या लाऊंगा देखो मैं। मम्मा कुछ मीठा, मम्मा पूरा, मम्मा आप तो डाइटिंग पे नहीं शायद। आज डाइटिंग खत्म खत्म। मम्मा मुझे कुछ मीठा खाना, मीठा नहीं है कुछ रखा इन्होंने। ज़ैनब आज ज्यादा नहीं बातें कर रही हो तुम, आज ज्यादा नहीं बातें कर रही हो। और वो उधर इधर माहौल बना के खाना वगैरह खा रहे हैं सब, और मैं अकेली बैठी हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। जैनब ने अपनी साथी बना लिया, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। हाँ मम्मा मेरी साथी मम्मी मेरे साथ बैठी है, साथ मम्मा ही होती है हमेशा। यार मैंने अब नोट किया हिरापी तो इधर बैठी हुई है अकेली, हिरापी के साथ भी कोई नहीं है मेरे हिसाब। मुझे लगा था मैं बस अकेली हूँ। ये लो तो पापा भी रेडी होकर आ गए। पापा जी मैं खाना डाल के दूँ आपको? पापा गुड बॉयज की तरह खुद खाना डाल रहे हैं। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे। पापा और उनके दोस्त इधर खाने बिजी हैं। आप दोनों पता क्या लग रहे हैं? चिंटू मिंटू लग रहे हैं, ऐसे बचपन के वो लंगोटिया यार नहीं होते। हम बचपन की यार बेफिक्र है। आप बचपन दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ सेम है। हाँ जी, इनकी भी साइज है, मेरी भी साइज है, और इससे बड़ी जो चीज की बात हो रही है वो हमारी शादी की डेट है, वो भी सेम है। शादी की डेट भी सेम है? 7 अप्रैल 7 अप्रैल। वाह पापा आपने कभी बताया नहीं मुझे इस बात का। इसलिए बताया था कि परेशान ना हो। धोतियां यार। 7 अप्रैल। और मम्मा साथ इनकी बीवी नहीं आई
नहीं है और मम्मा लेकिन आप उनकी बीवी है ना। वाह वाह। और माँ पापा इधर इकट्ठे खाना खाने में बिजी हैं दोनों। और ये हमारी कजन और इन्होंने बोला कि आप तारीफ दोबारा करना मेरी जो की थी आपने। बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत प्यारी लग रही है। और इसकी क्या तारीफ की आपने? ये तो मेरी दादू इनसे मिलवा चुकी हूँ पहले। मुझे दादू ने बोला मुझे ग्रैंड मदर। ठीक है, ये मेरी ग्रैंड मदर है योर सी। और ये मेरी कजन, ये मेरी सिस्टर, ये मेरे कजन छोटे, ये इनके बच्चे हैं, छोटू मोटू इनका नाम रखा हुआ मैंने। और ये मेरी छोटी कजन है, आओ मैं तुम्हें शॉल दूँ, शॉल चाहिए ना। और ये मेरी बड़ी कजन है, ये मेरी जितनी है मुझसे थोड़ी सी बड़ी है बस। मेरी जितनी है वैसे, एक साल बड़ी है बस। चलो आओ तुम्हें शॉल दूँ, उसको एक्चुअली में लग रही है ठंड तो इसको हम देते हैं शॉल। आ जाओ। और इधर टिक्के वाले टिक्के बना रहे हैं। हेलो अंकल। लगता है पापा ने उनको मना किया, इनसे बात नहीं करनी आपने। जी दादा, हम लोग शॉल लगे थे एट द मोमेंट, शॉल जी खत्म हो गया, इसकी कोई मैचिंग करते हैं। करती हूँ तुम्हारी कोई मैचिंग। ब्लैक अगर और दुपट्टा प्यारा वाला मिल जाए ना वो दे देंगे। ओहो, इसको हमने एट द मोमेंट हमने ये दे दिया, ये इससे भी ठंड रुक गई है। चलो फिलहाल गुजारा तो हो जाएगा, चलो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं उधर। ओके यार, तो मैं अब जैनब की कंपनी में आ गई हूँ। पता है तुम लोगों को हम लोगों ने कितना अच्छा डांस करना है अभी, फुल देसी वाइब वाला है। देखना आप लोगों के लिए रेडी किया हमने। वो ये डांस जब हमारा खत्म होने का, आप लोगों ने भी आके फिर अंदर ठुमके लगाने हैं सबने। हाँ, नहीं लगाने लगाए, और आपने भी आके डांस करना है फिर। ठीक है, मजा आएगा। मम्मा ने भी करना है डांस। आप पे भी मैं एक टप्पा बनाऊंगी अरूप के नाम का। अरूप के नाम पे टप्पा तो बनाऊंगी, मोटी उसका भी बड़ा। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा मशरूम, महफिल ता सजदी जे नचे डकी दी रूप। शुक्र है मैं कब से मीठा, देखो मीठा खाने बच्चा ये पहले आ गया खाने। लड्डू तो हम खाते, ओह यार कितने टेस्टी है ये, निकालो जाए मैं भी तुमसे ही ले लेती हूँ। पापा जी, ये आपने क्या पहन लिया है? आप लग रहे हैं दुल्हन के अब्बू, पहले नहीं लग रहे थे पता है, अब फैंसी फैंसी लग रहे हैं। गोज टू कजन जैनब, उठ जल्दी, डांस की प्रैक्टिस किसने करनी, जल्दी आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रैक्टिस नहीं करनी, भूल जाओगी सारा। इतनी देर बाद मैंने दुल्हन के चेहरे पे हंसी देखी, आप प्यारी लग रही हो आप, खिलखिला के हंसो। देख लो तुम मेरे को जो से वो नहीं, मैं उसको कुछ किया, इतना किया मैंने कुछ उसको। देख लो मेरी से हंसी है ना मेरी। हां आपकी वजह से। जैन जब डांस करने लगेंगे तो दुपट्टा उतार देंगे। ठीक है, ये हम लड़के वालों के एरिया में आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी डांस प्रैक्टिस कर ले, कोई मसला तो नहीं है। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ अब करते हैं प्रैक्टिस अपने डांस की। टन 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 टन। ये आई है मेरी कजन। हाँ, लास्ट में राबिया रहेगी। आप तो कह रही थी आप एटीट्यूड में रहेंगी। तुम्हारे साथ एटीट्यूड में रहूंगी अब से मैं। इतना मजे कर रहे हैं, इतना मजे कर रहे हैं, सब ने खाया बस कर दो मोटी। हाँ, इतनी प्यारी लग रही है, बड़ी प्यारी राबिया लग रही है। आपका बेटा मेरी वॉचिंग करता रहता है छोटू, ये आपको तंग करते हैं। मुझे पता है, प्यार है। मुझे पता है आपको तंग करते हैं। मेरे कजन गए, एक तो मेरे छोटे छोटे कजन गए। कजन मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हम डांस करने लगे, आपने हमारा डांस जी जान से देखना। ठीक है, बिल्कुल देखेंगे, एनर्जी वाला हमने करना है। ठीक है, तालियां मारनी है। डन 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 करेंगे, आगे अंदर करेंगे, जगह तो है नहीं, हम अंदर करेंगे, तुम देखना। यार ये जैनब की कान से मुझे मेरा कट लग गया। मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, और इसकी वजह से मैंने इतनी जोर का। जैनब तुम काइंडली डांस से मुझसे दूर रहना प्लीज, मुझसे दूर रहना। तुम अपने मुझसे दूर जाकर समझ रहे, तुम मुझसे दूर रहो। इतनी जोर का, यार मेरा खून निकली जा रहा है, निकली जा रहा है। इतना सा बेचारी में मुझमें खून है, वो भी बेस्ट हो रहा है मेरा सारा। यार वो देखो, इसके दो तरफ लगे हैं मुझे, लो मी बीच में। यार मेरा खून रुक ही नहीं रहा है, ये जरा देख, कैमरा तुम पकड़ लो ना, दो का इसका कांच, ये देखो इसके ना ये सब बूते कांच लगे हैं, वो पूरा मेरे हाथ पे। आप भी ये देखो, सारा ये देखो, उसके लेनेप का कांच लगा है। चार दफा खून निकल रहा है, ये भी देखो कौन की बाल भी लाओ यार, मजाक नहीं कर रही, बाल भी लाओ जल्दी जल्दी। चार दफा खून निकल चुका है, चार दफा खून निकल चुका है, इसको उतार दो, ये रिंग उतार दो। ये देखो मम्मा को दिखा के आती हूँ। मम्मा ये देखे मेरा इतना खून निकल, मम्मा पापा ये देखे जैनब ने मुझे मारा कैसे, मैं डांस की प्रैक्टिस करी थी, कांच लग गया हाथ पे। ट्रेजेडी हो रही है मेरे साथ, स्पेशल दिखाने लाई हूँ आप लोगों को, सिंपैथी लेने आई थी मैं तो। अरे भाई ये देखे जैनब ने मारा कांच, उसके ड्रेस का कांच लगा मेरे हाथ पे सारा, ये देखे
मैं चार्ज जब पानी से कर रही हूँ तो वो हुई जा रहा है। मैं आपको सनी प्लस मेरे पास वो है, सनी प्लस लगाती हूँ। नहीं वो निकली मेरे पास, बहुत गहरा लग गया है। कोई बात नहीं, एंटीसेप्टिक लगेगा सही। हाँ मैं वही लगा जा रही हूँ। कजन हो तो ऐसी हो, साथ ही उनके पास हैं भी। वाह, अल्कोहल पैड से साफ करनी। हाँ हाँ, मैं बच्चों ट्रीटमेंट हो रहा है निकाब पे ना, तो फिर मैं रखती हूँ बच्चों के लिए। वो ना ज़ैनब के ड्रेस में फुल कांच लगा हुआ है ना, तो वो सारा लग गया। हम इसके हम बैंडेज लगा लेते हैं। ये लो यार, मैंने बैंडेज कर ली और अभी स्टिल यहाँ से निकली जा रहा है। देखो जो प्यारा लगता है ना, उसको नजर लग जाती है, मुझे नजर ही लगी है। ओके यार, तो मम्मा ढोलकी बजाने लगी हैं, चलो बजाओ शुरू। मम्मा को बजानी नहीं ना आती है। बाड़ी पर सी कटन कैसी, कट के लिए अंदर चीता। नहीं, बाड़ी पर सी कटन कैसी, कट के लिए अंदर जीजा। पंगड़ा सारे टप्पे भूल गई हूँ। कौन सा गाया है? बल्ले ओ बल्ले बल्ले नाचे, बल्ले बल्ले रे पंजाब बंदी। ओ जुत्ती जल्दी मरोड़ा नहीं ओ जल्दी डोर पंजाब बंदी। कितना मजा आ रहा है यार। ज़ैनब आके ना पहले डांस प्रैक्टिस कर लो बेटा, फिर करेंगे बाकी काम। ओके यार, सो फाइनली हमारी ढोलकी स्टार्ट हो गई है। अब गाइस फिर हमारा डांस कब देखोगे तुम लोग? ठीक है, अब हमारा डांस ज़ैनब का है। हमारा डांस, हमारा डांस, मेरा टप्पा भी तो हो जाए बीच में। डांस अभी अभी करने लगे हम लोग। डांस कहाँ करेंगे, तो बनाओ ना। लेकिन सोफा पीछे कर देते हैं यहाँ, पीछे कर दो यहाँ पे डांस करें। ती रंग माहिया आओ सामने, जुती कल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी डोर पंजाब दी। हमेशा की तरह एक दो प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस कर ले एक दफा।
यार फाइनल ईयर पे डांस करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डांस इतना अच्छा कैसे होगा। शुक्र है मैं कुछ भूली भी नहीं हूँ, वरना मुझे लगा था फातिमा को वोमिटिंग आई है। हाँ मैं तुम्हारी तो मेरा ने मैं तो भाई बिल्कुल ब्रेव हो गई। हाँ फाइनली यार सुबह निकाह करेंगे, मुझे सोना है बस। ओके यार ये मस्तियाँ तो होती रहेंगी ठीक है, अब हम लोग लगे हैं सोने क्योंकि सुबह हमें 7 बजे उठना है निकाह के लिए, तो इसीलिए मैं लगी हूँ सोने। सो होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा, मज़ा तो आया होगा ऑफ कोर्स। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड मेरे 600 के हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। ज़्यादा सर और भी कर दो। सुबह बाय, अल्लाह हाफिज़।